भीषण गर्मी के बीच जहां हर तरफ एक के बाद एक आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, इस बीच कुवैत के मंगाफ में बुधवार सुबह एक इमारत में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। आग की चपेट में करीब 49 लोगों की मौत हो गई और 30 घायल हो गए। मरने वालों में 41 भारतीय शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हताहतों में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य भारतीय राज्यों के लोग भी शामिल हैं। इस भीषण आग दक्षिणी मंगाव जिले में एक बिल्डिंग में लगी। आग के कारण बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई है। जानकारी के मुताबिक जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें 160 से ज्यादा मजदूर रहते थे। अधिकारियों ने बताया कि आग बुधवार तड़के कुवैत के दक्षिणी अहमदी प्रांत के मंगाव इलाके में 6 मंजिला इमारत की रसोई में लगी। अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही कुवैत में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की और कहा कि दूतावास हर संभव सहायता करेगा। कुवैत की घटना पर एक के बाद एक राजनेताओं ने ट्वीट शेयर किए और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, कुवैत शहर में आग लगने की घटना दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। कुवैत में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और प्रभावितों की सहायता के लिए वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग भी की। पीएमओ ने बताया कि पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक नागरिकों के परिवारों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। तो वहीं कुवैत में भारत के राजदूत आदर्श स्वेका ने अल अदन अस्पताल का दौरा किया जहां आग की घटना में घायल हुए भारतीय लेबर्स को भर्ती कराया गया है। उन्होंने कई मरीजों से मुलाकात की और उन्हें दूतावास की ओर से पूरी सहायता का आश्वासन दिया। घटना पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए घटना पर दुख जताया। साथ ही उन्होंने आश्वासन जताया कि इंडियन एम्बेसी इस संबंध में सभी लोगों की पूरी सहायता करेगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी घटना में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस बीच आज विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह आग में घायल हुए भारतीयों की सहायता की निगरानी करने और घटना में मारे गए लोगों के शवों को स्वदेश पहुंचाने के कार्य में सहयोग के लिए कुवैत रवाना हो चुके हैं। जाने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि वहां पहुंचते ही स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल स्थिति ये है कि कुछ लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं और कुछ शव इतने जल गए हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है। पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट चल रहा है। जैसे ही शवों की पहचान हो जाएगी उनके परिजनों को सूचित कर दिया जाएगा और शवों को वायुसेना के प्लेन से वापस लाया जाएगा। See, we had a meeting last evening, last night with the Honorable Prime Minister and that's the last update we have about this very sad tragedy and the rest of the situation will be cleared the moment we reach there. The situation is that the victims are mostly are burn victims. And some of the bodies have been charred beyond recognition. So DNA test is underway to identify the victim. Yes. And the Air Force plane is on the ready. And as soon as the bodies are identified, their kin will be informed. And our Air Force plane will bring the bodies back. The latest figures that we had last night, the casualty figures are around 48, 49, out of which 42 or 43 are believed to be our countrymen, Indians. कुवैत के उप प्रधानमंत्री फहद यूसुफ अल सबा ने घटना स्थल का दौरा किया और मामले में पुलिस जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने पुलिस को आग लगने की आपराधिक जांच पूरी होने तक इमारत के मालिक, उसके चौकीदार और वहां रहने वाले श्रमिकों के नियोक्ता को हिरासत में रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कुवैत नगरपालिका और मैन पावर के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को भी इसी तरह के उल्लंघनों को देखने के लिए तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं, जहां आवासीय भवनों में बड़ी संख्या में श्रमिकों की भीड़ होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।